एहसास में हुसैन अगर बसे हुए तो फिर चंद नाम किसी जिक्र की अभी आपने सुना मस्जिद के दौरान के फर्श अदा से यूं उठो कि किरदार बन जाए, वरना इसको कहानी की तरह मत सुनो। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ फैक्ट एंड इट्स अ लाइफ फैक्ट। हुसैन आप एहसास की आंखों से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आप जरा अपने जहन को आवाज दें कि वो दिल को लेके जा रहे अट्ठाईस रजब हुसैन इब्ने अली ने यह तय कर लिया कि अब हम मदीना छोड़ देंगे। रात भर नाना के रोबे पर रहे, सुबह को आए देखा बहन पर्दे के पीछे आंखें सुर्ख हो रही, कहा जैनब का भाई यही खड़ी थी रात भर, रात भर यही खड़ी थी सोच रही थी कि मेरा भाई रो रहा होगा। कहा हाँ जैनब, हमने ये तय कर लिया है कि अब मदीना छोड़ दे, जिस दिन को ले जाना चाहती हो करबला में जिनको लुटाना है उनको साथ दे, जो तबरुकात रखना चाहती हो रखो, तुम हमारी शहीद को करबला के सफर में। अंदर आए सामान सफर तैयार होने लगा, नाके लाए गए, नाकों पर पहले बारबरदारी का सामान सवार हुआ, फिर नाके आए पानी के मशकीदे सवार हुए, फिर नाके आगे बढ़ गए बीबियां अंताज की सवार होने लगी, फिर नाके आगे बढ़ गए पर्दे खिंचवाए गए, बनी हाशिम की खवातीन नाकों पर सवार होने के लिए तैयार हुई, औरतें मोहल्ले बनी हाशिम के घेरे में आके खड़ी हो गई। एक बीबी आगे बढ़ी, एक मरतबा कड़ियल जवान ने आके बाजू थामा, लोगों ने पूछा ये कौन है, कहा ये अली की बड़ी उम्र फरवा सवार हो रही है। एक और बीबी आई, उनको एक सब्जा आगाज ने थामा, पूछा ये कौन है, कहा ये अली की छोटी बहू उम्मे लैला है, वो उम्मे लैला का बेटा था जिसने उम्मे फरवा को सवार किया, ये उम्मे फरवा का बेटा है जो उम्मे लैला को सवार कर रही है। खवातीन में ये बातें हो रही थी कि ऐसे में एक मर्तबा अब्बास ने आके दानू को तह किया, एक बुलंद बाला बीवी निकली, आए नाकों के करीब, हुसैन कुर्सी से उठ खड़े हुए, बाबू को थामा, या अली कह के बीवी नाके में सवार हुई, दूर दूर तक तलाया था, बनी हाशिम की और मोहल्ले की औरतों ने पूछा ये कौन बीवी सवार हुई, क्या अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सवार हुई। काफिला चला कुछ दूर पहुंचा था, कुछ दूर अभी एक मर्तबा कनीज ने आके हुसैन इब्ने अली के रिकाब को भोसा दिया और कहा फजलत रसूल बीमार बेटी पीछे पीछे आ रही। हुसैन उतरे, फातिमा ज़हरा को कलेजे से लगा के कहा बेटी अब तुम चली जाओ, बेटी तुम चली जाओ, मुझे जाने दो। तो कहा नहीं बाबा, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे एक मर्तबा मेरे भाई अली अकबर से और मिला दे। हुसैन ने आवाज दी अली अकबर इधर आओ, अली अकबर घोड़े से उतर के आए, सुगरा दौड़ के गले में बाहें डाल के लिपट गई। तो एक मर्तबा अली अकबर ने कहा न घबराओ बहन, हम आ जाएंगे लेने के लिए। तो आंखों में आंखें डाल के चेहरे को देख के कहा अली अकबर तुम कर तो रहे हो, मगर न जाने क्यों मेरा दिल घबराता। आशूर की दिन गुजर गया, अली अकबर नहीं आए, दो पहर गुजर गई, अली अकबर नहीं आए। एक मर्तबा अज़ा की आवाज जब आई तो उम्मे सलमा से ज़ुहरा ने कहा मेरे भाई अली अकबर मुझे लेने के लिए आ गए, मगर शाम हो गई, अली अकबर नहीं आया। मगर जब खबर आई कभी तो पता चला जिस छाती पर ज़ुहरा सर को रख के रो रही थी उसी में बरछी की।